हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी पावर और अडानी ग्रीन शेयर के ऊपर। दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का वजह है कंपनी के द्वारा जीता गया ऑर्डर। चलिए इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करते हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अडानी पावर के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था फ्राइडे के सेशन में, लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिला और फाइनली स्टॉक अपने डे के लोअर साइड पे ही क्लोज हुआ। और अगर हम लोग प्रीवियस वीक की बात करेंगे, तो प्रीवियस वीक में स्टॉक 0.25% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे, तो स्टॉक जो है 9% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज के ऊपर भी बात करते हैं, फिर जो है हम लोग चार्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इम्पोर्टेंट चार्ट्स को पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम और ट्विटर दोनों ही हैंडल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लगातार जिस किसी भी चार्ट में ब्रेकआउट आता है, जहां पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, जिस स्टॉक में तेजी आ सकता है या कोई इम्पोर्टेंट जोन रीटेस्ट हो रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग शेयर करते रहते हैं। इन केस अगर आप फिर भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है, एवरीथिंग आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के द्वारा जो आपको बिड जीता गया है, 6600 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना है, जो कि आपको ₹4.08 पर यूनिट के टैरिफ के हिसाब से कंपनी ने इस बिड को जीता है। सप्लाई जो है नेक्स्ट 48 मंथ यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर आपको सप्लाई स्टार्ट करना है। लेटर ऑफ इंटेंट जब से कंपनी को मिला है, वहां से 4 ईयर यानी कि 2028 में कंपनी को सप्लाई अपना स्टार्ट करना है। तो कंपनी के पास जो है एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अभी अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो कंपनी ने यहाँ पे जो बीट किया है JSW एनर्जी और टोरेंट पावर, इन दोनों ही कंपनी को बीट करके कंपनी ने यहाँ पे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। 25 ईयर्स के लिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और जो बिडिंग प्राइस था वो ऑलमोस्ट ₹1 लोअर है, जिस रेट पे कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर कर रहा है। ऑलरेडी लेटर ऑफ इंटेंट अडानी ग्रुप को मिल चुका है। यहाँ पे जो सप्लाई होगा वो आपको मिक्स होगा, 1496 मेगावाट का जो है थर्मल पावर से आपको एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो आपको 1600 मेगावाट जो है वो आपको सुपर क्रिटिकल कैपेसिटी मिलेगा, और 5000 मेगावाट जो है ये आपको अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। तो अडानी पावर और अडानी ग्रीन दोनों ही कंपनीज के लिए जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा न्यूज है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर। अडानी पावर के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे, तो स्टॉक जो है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है। स्टॉक एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक के लिए जो सपोर्ट रेंज है ये है आपको 600 से 628 रुपीज का। इस स्टॉक में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा जब स्टॉक यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। यानी कि अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे, तो बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने सपोर्ट प्राइस पे है, सपोर्ट प्राइस पे स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल चुका है। प्राइस बहुत ही टाइट रेंज में स्क्वीज कर चुका है। यहां से जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होता है, स्टॉक में एक शानदार तेजी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अडानी पावर के शेयर को आप लोग नेक्स्ट
वीक के लिए रडार पे रख सकते हैं। यहां पे अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो अडानी पावर जो है फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग कंपनी है। अगर हम लोग बात करेंगे 244,318 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी का पीई जो है 15 के पीई पे कंपनी अवेलेबल है। अगर इसके कॉम्पिटिटर की पीई को हम लोग बात करेंगे तो अपने कॉम्पिटिटर के पीई में सबसे कम के पीई पे कंपनी जो है आपको ट्रेड कर रहा है और लगातार कंपनी का कंसिस्टेंट बेसिस पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। लगातार अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी एक हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। 50,351 करोड़ का सेल जो है कंपनी ने आपको 2024 में पोस्ट किया था। तो लगातार कंपनी के सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगातार जो है कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है। 34,616 करोड़ का डेट है जो कि लगातार जो है आपको रिड्यूस हो रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर ने जून के क्वार्टर में यहाँ पे स्टेक भी एडिशन किया है। यहाँ पे अगर बात करेंगे 14.73% FII के पास है, 1.42% DII के पास है, रेस्ट 11.414% जो है वो आपको पब्लिक के पास है और यहाँ पे भी 4.69% ओपल इन्वेस्टमेंट के पास है, यानी कि तकरीबन जो है आपको 6.7% आम पब्लिक के पास है। टोटल उसके अलावा टोटल जो है वो आपको FII, DII और प्रमोटर के पास आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक टेक्निकली भी काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इस गिरावट में पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्रेश बाइंग ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन के शेयर में लगातार स्ट्रांग कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक जब से आपको फॉल हुआ है 2022 में जो फॉल देखने को मिला था इस स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, एक ट्रेंड लाइन का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक तेजी किया, बट अगेन जो है स्टॉक यहां पे आपको एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ये रेंज है आपको 1600 से 2000 का रेंज। एक बार के लिए जरूर यहां पे स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया था बट उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो इस स्टॉक में आपको तभी बाय करना है जब स्टॉक आपको इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करता है। जब तक स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट नहीं करता है आपको यहां पे कोई भी बाइंग नहीं करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो जरूर आप होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी तभी बनेगा जब स्टॉक एटलीस्ट जो है यहां पे वीकली बेसिस पे 2000 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो। एक बार स्टॉक 2000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को ऊपर की साइड में 2500 और उसके ऊपर 3000 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।